व्यवस्था परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासरत, संघर्षरत, चाबाज, दिलेर और बहादुर बैंक कर्मियों को वी बैंकर्स की ओर से दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। कहने में यह बात अप्रिय जरूर है, लेकिन सच्चाई से भरपूर है कि बैंक कर्मियों के लिए भारतीय बैंक संघ और यूएफबीयू की घटक 9 यूनियनों के परस्पर सहयोग से चलने वाली मौजूदा द्विपक्षीय समझौते वाली व्यवस्था ही असली रावण है। यह अधर्म, असत्य और बुराई की जननी है। हम यह अप्रिय लगने वाली बात आलोचना के लिए आलोचना करने के उद्देश्य से नहीं कह रहे, बल्कि प्रमाण के साथ कह रहे हैं, जिसकी पुष्टि देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय उच्च न्यायालय ने भी की है। बैंक कर्मियों, खास तौर पर अपनी अपनी यूनियनों के प्रति निष्ठावान और समर्पित श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं में चेतना और जागृति लाने और उन्हें सत्य से परिचित करवाने के उद्देश्य से वी बैंकर्स ने वास्तविकता का उल्लेख अपने 51 पृष्ठ के हड़ताल के नोटिस में किया है। हमारे हड़ताल के नोटिस के पेज 15 के पैरा 32 और 33 को ध्यान से पढ़िए और फिर इसकी सच्चाई को परखने के लिए गूगल गुरु की शरण में जाइए। माननीय उच्च न्यायालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम जी पलानी के मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि 4 अधिकारी संगठनों और भारतीय बैंक संघ के बीच हस्ताक्षरित ज्वाइंट नोट अवैध है। 5 कर्मकार यूनियनों द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते के बारे में माननीय उच्च न्यायालय का कहना है कि यह पेंशन रेगुलेशन 1995 का उल्लंघन है। बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम एसके कूल के मामले में पहले माननीय उच्च न्यायालय ने प्रश्न किया है, विल इट नॉट बी ए फ्रॉड बाईपार्टाइट सेटलमेंट, फिर खुद ही उत्तर दिया है, ऑब्वियसली इट वुड बी। भला द्विपक्षीय समझौते को फ्रॉड की उपाधि से नवाज देने से भी बड़ी कोई प्रतिक्रिया हो सकती है? यह प्रतिक्रिया कोई भी बैंकर्स ने व्यक्त नहीं की है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने व्यक्त की है। अब भला देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा अपने आदेश में 4 अधिकारी संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित ज्वाइंट नोट और 5 कर्मकार यूनियनों द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते के बारे में यह प्रतिक्रिया व्यक्त कर देने के बाद भी बहस की कोई गुंजाइश रह जाती है? आईबोक के बहुत सारे भक्त और समर्थक हैं, उनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए हम आईबीए द्वारा एसके कूल के निर्णय के बाद जारी स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िए अंतिम पंक्ति, आईबीए कह रही है कि केवल कर्मकारों के लिए पेंशन रेगुलेशन 22 संशोधित किया जाएगा, अधिकारियों के लिए संशोधित क्यों नहीं किया जाएगा? पेंशन रेगुलेशन तो अधिकारी और कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है, फिर एक समान परिस्थितियों में अधिकारियों और कर्मचारियों में विभेद क्यों? यह स्पष्टीकरण 30 जून 2015 को आईबीए ने जारी किया था। 4 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी आईबोक खामोश क्यों है? उसने अब तक इसके खिलाफ क्या किया है? अनगिनत अधिकारी जो इस मनमानी पूर्ण उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आईबीए द्वारा की गई व्याख्या और स्पष्टीकरण से उपजे अन्याय का शिकार होकर विभिन्न न्यायालयों में न्याय की प्राप्ति लाखों खर्च कर सालों से प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके मानसिक उत्पीड़न और अनावश्यक धन की बर्बादी का दोषी कौन है? अधिकारियों के हितों की सजग प्रहरी होने का झूठा दावा करने वाली आईबोक ने, आईबोक है या फिर और कोई, कितना हास्यास्पद और भद्दा मजाक है कि उच्चतम न्यायालय से भी बड़ा न्यायालय अपने आप को मानते हुए उसके आदेश की मनमानी व्याख्या करने वाली आईबीए 30 सितंबर के अपने परिपत्र में बेशर्मी के साथ छाती ठोककर सीना चौड़ा कर 10 लाख बैंक कर्मियों की गैरत को ललकारते हुए कह रही है कि हम तो अपनी भूमिका को इसी तरह निभाएंगे और तुम्हें हम
याचिका शिकायत विवाद आदि में के जरिए चुनौती नहीं दे सकते, पक्षकार नहीं बना सकते। देश की कानून व्यवस्था को बेशर्मी और बेबाकी के साथ धूर्ततापूर्ण चुनौती देने और उसका उपहास उड़ाने का यह साहस आईबीए को किसने दिया है? उन्हीं नौ संगठनों ने जिनके तुम सदस्य हो, जो अभी 15 अक्टूबर को कटोरा लेकर तुम्हारे मान और सम्मान का सौदा करने आईबीए की शरण में जाएंगे, उसे कानूनी मान्यता प्रदान करने में सहमत जताएंगे और तुम खुद उनकी बिना लिखित मिनट्स वाले झूठ को साझा करोगे। प्रमाण के साथ प्रस्तुत हमारा सच उनके झूठ के आगे बौना साबित होगा। बात चाहे पेंशन के लाभ पर बैंक कर्मचारियों के अलग अलग वर्ग बनाकर उनकी एकता को तार तार कर देने की हो, 1/4/2010 और उसके बाद आए युवा बैंक कर्मियों को पेंशन फंड के लाभ से वंचित किया जाने की हो, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्त लाभ हेतु वेतन की परिभाषा के मामले में ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की तुलना में महंगाई भत्ता शामिल न किए जाने की हो, या फिर 30 वर्ष की सेवा के बाद 45 दिन की जगह मात्र 15 दिन के वेतनबद्ध की गणना की हो, बर्खास्त किए गए कर्मचारी के पेंशन फंड को हड़प लेने की हो, 9 में द्विपक्षीय समझौते में क्लर्क पदनाम परिवर्तित कर मात्र कुछ रुपए के विशेष भत्ते पर SWOB के पद को सृजित कर उसके ऊपर तत्कालीन क्लर्क, विशेष सहायक, प्रधान रोकड़िया के कार एक साथ लाद देने की हो, RBI के मास्टर सर्कुलर के निर्देश को दरकिनार कर ग्राहक सेवा को 4 बजे तक करने की हो, बिना किसी वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण फार्मूले के मनमाने तरीके से कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने की हो, जांच प्रक्रिया में निर्दोष साबित हो जाने के बावजूद नौकरी से निकाले जाने की स्वीकृति द्विपक्षीय समझौते के जरिए दिए जाने की हो, 8वें समझौते के पैरा 31 के जरिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचे जाने के लिए राजी हो जाने की हो। और भी मुद्दे हैं, एक अंतहीन सिलसिला है। वर्तमान व्यवस्था के जरिए अन्याय, अधर्म और बुराई के जरिए बैंक कर्मियों को उत्पीड़न करने का, उनके दैनिक जीवन को नारकी बना देने का कोई संदेह रह जाता है? हम जानते हैं कि वी बैंकर्स द्वारा सत्य को उद्घाटित कर देने के बाद भी, प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर देने के बाद भी तथाकथित विद्वान वी बैंकर्स का और उसके आंदोलन का उपहास उड़ाएंगे, उसके आंदोलन में शामिल होने से कतराएंगे, सच्चाई को दरकिनार कर मौजूदा यूनियनों का गुणगान करेंगे, उनकी 1-2 दिन की हड़ताल में शामिल होकर अपना वेतन कटवाएंगे, वी बैंकर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल का उपहास उड़ाएंगे, उनकी नेताओं के शान में लाल सलाम के नारे लगाएंगे, लेकिन वी बैंकर्स के रणबांकुरों का मजाक उड़ाएंगे। और तो और, वी बैंकर्स के 3-4 स्वयंभू संस्थापक जो CPC चिल्लाते हैं, वे भी अपने अपरपक्व आचरण से सच्चाई को बैंक कर्मियों तक पहुंचने से रोकने का हर संभव जतन करेंगे। हम सबके प्रयास से 2,34,000 वाले वी बैंकर्स के ग्रुप पर अनधिकृत तरीके से काबिज होकर आंदोलन से संबंधित जानकारी को ग्रुप में जाने से रोकेंगे, लोगों को निकालने और ब्लॉक करने का खेल खेलेंगे, उद्देश्य ध्यान हटाने के लिए अनर्गल विवाद पैदा करेंगे। फिर भी हमें विश्वास है कि आम बैंक कर्मी हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक कर्मियों तक पहुंचाएंगे। दशहरे के पावन पर्व पर आपको अपनी नीर छीर विवेकी बुद्धि से यह फैसला लेना है कि आप अन्याय, अधर्म और बुराई की प्रतीक भारतीय बैंक संघ और 9 संगठनों के गठबंधन से बने रावण के साथ हैं, या फिर सत्य, धर्म, न्याय की स्थापना के लिए निरंतर संघर्षरत वी बैंकर्स रूपी राम जी की सेना के साथ। फैसला आपका, हमारे सर माथे पर। जय हिंद, जय भारत।